सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम स्टडीज फॉट इंडिया सो वी विल कंटिन्यू विद द नॉलेज एंड कुरिकुलम द पेपर वन एंड द मोस्ट टू डू विज द कुरिकुलम पार्ट एंड स्पेसिफिकली द एनसी एफ वन सो लेट्स स्टार्ट द पर्पज ऑफ इंटीग्रेटेड कुरिकुलम इज़ इंटीग्रेटेड इज थीमेटिक जब हम दो तीन चीज़ों को इकट्ठा करते हैं एकीकृत करते हैं एकीकृत मान लो जो इंग्लिश की रीडर बनानी है वो ई के बेस पे सोलर सिस्टम का लेसन रीडर में डाल दिया या जो सोशल साइंस है माई इंडिया वो लेसन इंग्लिश का लेसन बना दिया तो उससे इंग्लिश और सोशल साइंस और इंग्लिश और ई दोनों की इकट्ठी पढ़ाई हो जाएगी और उसी में हमने कुछ असाइनमेंट्स बना दी ड्रॉइंग की सो आर्ट एंड क्राफ्ट इंग्लिश ई सोशल साइंस ये सब इकट्ठा करके एक सिलेबस बनाया दिस इज़ इंटीग्रेटेड इसका उद्देश्य क्या होगा इससे सिलेबस बढ़ जाएगा बुक्स नो no. डिक्रीज़ इन सिलेबस यस इससे नंबर ऑफ बुक्स सब्जेक्ट्स और सिलेबस की कमी हो जाएगी ये इनका कोई लेना देना नहीं है इन विच मॉडल द टीचर एंड द स्टूडेंट्स कोलेबोरेट कोलेबोरेट होता है इकट्ठे मिलकर काम करना ज्वाइंट कोलेबोरेशन ज्वाइंट वेंचर कोलेबरेट टू फ्रेम ए कंटेक्स स्पेसिफिक कुरिकम एक विशेष कुरिकुलम बनाना है फ्रेम इज मेकिंग कैसे बेस्ड और वो करिकुलम किस पे बेस होगा किस पे आधारित होगा नीड्स एंड डिजायर दैट द स्टूडेंट दम सेल्फ एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स की खुद का जो अपना एक्सपीरियंस है किसको लेके जो नीड्स और डिजायर्स है उनकी अपनी नीड क्या है उनकी अपनी जरूरतें क्या हैं उनकी अपनी इच्छाएं क्या है वो क्या बनना चाह रहे हैं उनको क्या उसके लिए इनपुट चाहिए सो so, ऐसा करिकुलम जो उनकी नीड्स और डिजायर्स को पूरा करे और जो खुद स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस करें वो कौन से मॉडल में हैं पार्टिसिपेटरी मॉडल सिचुएशनल मॉडल बोथ एंड बी ऑफ दिस सो नेम से पता चलता है दिस इज पार्टिसिपेटरी पार्टिसिपेटरी जिसमें स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं मैं बता देता हूँ ये जो सिचुएशनल मॉडल है दिस इज मोर टू डू विद द एनालिसिस पार्ट जब हम किसी सिचुएशन का एनालिसिस करें ऐसा जो मॉडल है दैट इज सिचुएशनल मॉडल नेक्स्ट इज विच मॉडल सजेस्ट दैट इज प्रोसेस वन द इनिशियल एक्सपेक्टेशन विद द लर्निंग आउटकम कौन सा मॉडल ये सजेस्ट करता है कि जो इवेल्युएशन है जो हम जांच करते हैं एग्जामिनेशन लेते हैं इज ए प्रोसेस बाई विच वन मैच इज द इनिशियल एक्सपेक्टेशन मान लो हमने लेसन के शुरू में ही एक्सपेक्ट किया कि इस लेसन के बाद हम ये ये सो so, मान लो कि हमने लेसन किया उसमें हमने फिक्स किया कि हमारी इस लेसन से ये एक्सपेक्टेशन है माय इंडिया लेसन है तो हम मान लो वी एक्सपेक्ट के बच्चे को पता चलेगा कि इंडिया का एरिया कितना है पॉपुलेशन कितनी है नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हैं एडज्वाइनिंग कंट्रीज़ कौन है नेबरिंग कंट्रीज़ कौन है सो दिस इज़ इनिशियल एक्सपेक्टेशन और एग्जैक्टली exactly जो लर्निंग आउटकम हुआ जो बच्चे ने सीखा इन दोनों को मैच करने के लिए ईवेल्युशन एक प्रोसेस है ऐसा किसने सजेस्ट किया तो दिस इज़ टाइलर्स मॉडल ये टाइलर्स मॉडल का मैं बताता हूँ दिस इज लीनियर इन नेचर ये तीन तरह का वो होता है क्रिकुलम लीनियर होता है जब एक लाइन पे चले क्लास वन क्लास टू क्लास थ्री बढ़ता जाए ओरिजेंटल होता है जब एक विंग है प्राइमरी में ये है फिर मिडल में ये है सेकेंडरी में ये है सीनियर सेकेंड्री में ये है और तीसरा स्पायरल होता है जो एक ही टॉपिक पूरी सभी क्लासेज में घुमा देते हैं तो टाइलर्स मॉडल ये कहता है कि जो ऑब्जेक्टिवस हैं और जो ईवेल्यूएशन है ईवेल्यूएशन टर्मिनल पार्ट है ये चेक करने का कि जो ऑब्जेक्टिव थे जो लर्निंग आउटकम थे वो मैच हुए या नहीं तो ये कहता है कि पहले ऑब्जेक्टिव फिक्स करो उसके लिए जो ऑब्जेक्टिव हैं उसको कैसे लर्निंग एक्सपीरियंस चाहिए क्या क्या सिलेबस होना चाहिए लर्निंग में क्या क्या टॉपिक दिए जाए क्या क्या एक्टिविटीज होनी चाहिए उसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज इन लर्निंग एक्सपीरियंसिस के लिए और फिर उसका इवेल्युएशन हो दिस इज टाइलर्स मॉडल नेक्स्ट इज एन इम्प्रूवमेंट अपन टाइलर्स मॉडल टाइलर्स मॉडल को इम्प्रूव किया था उसके बाद वो उसका नाम है व्हीलर लर मॉडल ही ट्वेल्प विस टाइप ऑफ मॉडल ये आ, मैंने बताया था कि हॉरिजेंटल मॉडल होते हैं मिडल विंग प्राइमरी विंग लीनियर जो क्लास वाइज पूरे लाइन में चेंज होता रहे वन इज साइक्ल और इसको कई बार स्पायरल भी बोलते हैं मान लो एक नाउन है एक टॉपिक वो क्लास वन में भी है और क्लास एट में भी है पर वो टॉपिक का लेवल बढ़ता रहेगा दिस इज स्पायरल यहाँ से शुरू किया इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग बट वो है पूरे उसमें देन इज वर्टिकल वर्टिकल इज एकदम थर्ड से फिफ्थ या फिफ्थ से eighth थी कुछ सब्जेक्ट ऐड होते हैं कुछ हटाए जाते हैं हम कॉलेज में जाते हैं तो हमारे सब्जेक्ट कम हो जाते हैं दिस इज वर्टिकल मूवमेंट तो व्हीलर ने कहा कि टर्मिनल इज नॉट इवेल्युएशन ये तो चलता रहेगा इट विल कीप ऑन मूविंग एक बार का टर्मिनल से सारा इवेल्युएट नहीं हो पाएगा नेक्स्ट इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिजाइन आर देयर तो देर आर थ्री टाइप्स ये याद रखने का है और ये जो थ्री टाइप्स हैं ये हैं डिसिप्लिन सेंटर्ड लर्नर सेंटर्ड और प्रॉब्लम सेंटर्ड एक तो करिकुलम uh, है जो डिसिप्लिन को मेन सेंटर में रखता है डिसिप्लिन uh, खाली जिसको हम uh, अनुशासन समझते हैं तो डिसिप्लिन ये केवल अनुशासन नहीं होता जिसको हम आमतौर पर समझते हैं रूल वाला डिसिप्लिन का मतलब सब्जेक्ट भी होता है डिसिप्लिन सेंटर्ड सेकंड इज लर्नर सेंटर्ड ये स्टूडेंट सेंटर्ड है एंड थर्ड इज प्रॉब्लम सेंटर्स ये नीड बेस्ड है कि प्रॉब्लम्स क्या है उनको सो तो दीज आर थ्री कुरिकुलर डिजाइन तो रोल ऑफ ए टीचर एज टू थाउजेंड फाइव इज के जो टीचर है वो गाइड है बॉस है लीडर है फैसिलिटेटर है तो दिस इज द रोल फैसिलिटेटिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज जो ज्ञान का निर्माण करना है वो उसको फैसिलिटेट करेगा पूरी प्रोसेस को उसको अरेंज करेगा शुरू से लेके लास्ट तक उसमें इनपुट भी शामिल है जिसमें टीचिंग भी है एक्सप्लेनेशन भी है असेसमेंट भी है वो उसका पूरी प्रोसेस का फैसिलिटेटर रहेगा उसको ऑर्गेनाइज करेगा नेक्स्ट इज एज पर रिकमेंडेशन ऑफ एनसीएफ

ताकि बच्चे का नेक्स्ट ईयर भी लैप्स ना हो सो दिस इज एनसीएफ 2005 रिकमेंडेशन द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल स्टेयरिंग कमेटी फॉर एनसीएफ 2005, इट वॉज प्रोफेसर यशपाल याद रखने का है अभी जो अपना उसमें कस्तूरी रंगन है अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी है और एनसीएफ 2005 टू थाउजेंड फाइव के थे प्रोफेसर यशपाल एनसीएफ ऑक्सीज ऑन अदर कुरिकुलर एरिया एनसीएफ ने कुछ और कुरिकुलर एरिया की बात की वो कौन कौन से एरियाज थे आर्ट एजुकेशन पीस एजुकेशन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन एंड ऑल ऑफ द वो एनसीएफ ने इन तीनों की बात की थी कि ये भी कुरिकुलर का पार्ट होने चाहिए एनसीएफ 2005 एफ थाउजेंड फाइव रिकमेंड हाउ मच आर्स पर डे

सो ऑन द रिपोर्ट ऑफ लर्निंग लर्निंग विदाउट बर्डन लर्निंग विदन नन ऑफ द बो तो लर्निंग विदाउट बर्डन ये एक रिपोर्ट थी जिसके आधार पर एन सी आर टी ने रिव्यू किया था एन एस सी एफ एस सी टू थाउजेंड को हु प्रोपोज एन सी एफ एज ए मीन्स ऑफ इवॉल्विंग ए नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इवॉल्विंग होता है स्लोली प्रोग्रेसिंग धीरे धीरे जैसे जीवन का विकास होता है इवॉल्विंग इवोल्यूशन तो नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन पूरे भारत का जो सिस्टम है उसको इवोल्व करेगा एन सी एफ ये किसने प्रपोज किया तो इट वॉज़ एन पी ई नाइनटीन एटी सिक्स कि अगर पूरे देश का हम करिकुलम डिजाइन करेंगे तो नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इवोल्व होगा प्रोग्रेस करेगा स्लोली स्लोली मॉडिफाई होगा एन सी एफ द इवोल्यूशन शुड बी बेस्ड ऑन ग्रेड्स मार्क्स बोथ मार्क्स एंड ग्रेड्स नन ऑफ द बो एन ने केवल ग्रेड्स के लिए रिकमेंडेशन दी थी कि हम केवल बच्चों को ग्रेड्स दें मार्क्स ना दें ताकि जो ओवर कंपटीशन है जो बहुत ज़्यादा बच्चों का आपस में होता है एक एक नंबर को लेके वो थोड़ा सा कम हो जाए ए टीचर शुड अंडरस्टैंड द चिल्ड्रन विद सोशल कॉन्टेक्सट कल्चरल कॉन्टेक्सट पोलिटिकल कॉन्टेक्सट एक टीचर जो बच्चे को समझने के लिए ना ये तीनों कॉन्टेक्सट ही देखने चाहिए बच्चे का सोशल क्या है उसका सोशल एटमोसफियर क्या है घर पे फैमिली का सिचुएशन क्या है कल्चरल उसकी मान्यताएं है? क्या हैं कहाँ वो रहता है वहाँ पे व्हाट इज़ गोइंग ऑन और पॉलिटिकल उसके राइट्स क्या हैं और वो सारी चीज़ें सो दिस इज़ ऑल ऑफ द अबो सो थैंक यू